14 अक्टूबर 1956 का वह दिन जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने गुरु चंद्रमणि की उपस्थिति में लाखों अनुयायियों समेत बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इस अवसर को मनाने आज बड़ी संख्या में लोग दीक्षा भूमि पर दर्शन करने आए हैं, जहां जय भीम के नारों से पूरी दीक्षा भूमि जगमगा उठी। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दीक्षा भूमि नागपुर में अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म में प्रवेश किया। तभी से इस दिन को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस पृष्ठभूमि में लाखों भीम अनुयायियों ने आज सुबह से ही दीक्षा भूमि पर भीड़ लगानी शुरू कर दी है। साथ ही इस अवसर पर दीक्षा भूमि पर सामूहिक धम्म पठन के साथ बाबा साहेब द्वारा दिए गए 22 प्रतिज्ञाओं का पाठ किया जाएगा। आपको बता दें कि ईसा पूर्व 3री शताब्दी में जिस दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उस दिन को बौद्ध इतिहास में अशोक विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। यह सम्राट अशोक की एक प्रमुख धर्म क्रांति थी, इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अशोक विजयादशमी पर धर्म परिवर्तन समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया और उस वक्त 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया, इसलिए इस पवित्र भूमि का नाम दीक्षा भूमि रखा गया। इसी परंपरा का जतन करते हुए आज भी देश के कोने कोने से ही नहीं तो विदेशों से भी भीम अनुयायी आज के दिन दीक्षा भूमि पर माथा टिकाने जरूर आते हैं। इस साल भी सुबह से ही दीक्षा भूमि परिसर में भीम अनुयायियों का तांता लगा हुआ है। आजच्या दिवसाचं महत्व असं आहे की 14 ऑक्टोबर 1956 डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी याच पवित्र दीक्षाभूमीवर आपल्या सर्व अनुयायांना बौद्ध धम्माची दीक्षा दिली आणि धम्मक्रांतीचा एक नवा पर्व त्यांनी इथे सुरुवात केली। आज जेवढे पण अनुयायी या पवित्र दीक्षाभूमीवर येतात, ती ऊर्जा, ती क्रांतीभूमीवरून त्यांना जी मिळणारी ऊर्जा आहे, ती ऊर्जा घेऊन ते संचारित होतात आणि धम्माला गती देण्याकरिता ती आवश्यक आहे असं आम्हाला वाटते। इथे संत सैनिक दलाच्या माध्यमातून आम्ही इथे सकाळी एक मानवंदना दिलेली आहे आणि या माध्यमातून इथे येणारे जेवढे पण अनुयायी आहेत त्यांना सहकार्य करणं, सेवा प्रदान करणं हे आमचं नैतिक कर्तव्य आहे। तिथी आणि तारखेचं बेसिकली डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 14 ऑक्टोबर 1956 जेव्हा दीक्षा घेतली होती तेव्हा त्या तारखेला विजयादशमीचा दिवस होता, ज्या दिवशी सम्राट अशोकाने धम्मचक्राला गतिमान केलं होतं आणि त्याच दिवसाचं अनुसरण करून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्याच दिवसाला धरून धम्मदीक्षेचं घोषणा केली होती। धम्मदीक्षाचं ग्रहण करून इथे 22 प्रतिज्ञा या अनुयायांसोबत ग्रहण केलेलं होतं। माझं नाव सुलभ बागडे, मी समता सैनिक दलाचा एक सैनिक। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, जय भीम। आय एम राशी प्रशांत शिंदे, आय स्टडी इन 3rd स्टँडर्ड, माय स्कूल नेम इज स्कूल ऑफ स्कॉलर, आय एम 100% Buddhist because I follow the Buddha, I follow Dhamma, I follow the Sangha. Buddham Saranam Gacchami, I apply the mind. Dhammam Saranam Gacchami, I follow Dhamma, the Eightfold Path. Sangham Saranam Gacchami, I follow the Sangha. These are the Buddha, Dhamma, Sangha, are 3 sharanas. I want to become expert teacher of Buddhism. And I am explain 5 principles of life. First is no killing, hinsa karu nahi, purity of body. Second is no stealing, sorry karu nahi, purity of body. Third is no lying, khote bolu nahi, purity of speech. Fourth is no evil thought, manat vait vichar anu nahi, purity of mind. Fifth is no intoxicatory, nashile padarthanchi sevan karu nahi, purity of body. And I am explain 3 sharanas. Buddham saranam gacchami. मैं शिल मानसा चढ़ी वसत गुनी बनती हूँ, इंटेलिजेंट एंड रेटिनालिज्म, आई फॉलो द मत, आई धमम सड़म को छा। मैं शिल मानसा चढ़ी वसत गुनी बनती हूँ, राइट व्यूज एंड वर्च्यूज, आई फॉलो द संगा, संगम सड़म को छा। कैमरा पर्सन अजीत कुवर के साथ मनीष टेमरे, BCN न्यूज़ नागपुर।